तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने बनाया है तीन कोना पराठा। तो ये देख सकते हैं पूरा परफेक्ट है एकदम से। और इसको बनाने के लिए क्या हम करते हैं तो आप लोग वीडियो में बने रहें और आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हैं एकदम चारों तरफ से तीन कोना है, कहीं भी टेढ़ा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो आप सबको मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों देख सकते हैं सुबह सुबह नाश्ता बनाने के लिए, तो मैं नाश्ता में बना रही हूँ पराठा भुंजिया तीन कोना। तो कैसे बनाती हूँ पराठा तीन कोना तो आप लोग वीडियो में बने रहें और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो चलिए मेरे साथ देखते रहे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आटा की लोइया ले रही हूँ, देख सकते हैं। और इसको हम ऐसे थोड़ा सा रोटी बना लेंगे, इसको गोल सा। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें सरसों तेल लगाएंगे और इसको ऐसे मोड़ देंगे, फिर ऐसे मोड़ देंगे, देख सकते हैं। इसको ऐसे कर देंगे और इसके बाद थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और इसके बाद इसको बेल लेंगे। तो दोस्तों इसको तीनों कोना पे हम इसको इस तरह से बेल लेंगे। अब वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो समझ में आएगा कैसे हम बना रहे हैं। थोड़ा सा सट रहा है तो इसको थोड़ा सा हम आटा फिर से इस पे लगा देंगे। देख सकते हैं हमारा पराठा तीन कोना पराठा बनके इसको हम तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा तीन कोना है, ये पूरा अच्छे से देख सकते हैं, कहीं भी टेढ़ा नहीं है, पूरा अच्छे से तीन कोना है, इसमें कहीं भी टेढ़ा नहीं दिखाई देगा आप लोगों को। तो इसको हम सेक लेते हैं तावे पे। तो इसको पलट लेते हैं, देख सकते हैं। अब इसके ऊपर छोलनी के मदद से हम तेल घसेंगे, देख सकते हैं। ऐसे हाथ जलने का भी डर नहीं रहता है और अच्छे से सेका भी जाता है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छे से सेका रहा है। और गैस को ज्यादा तेज भी नहीं करना है और ज्यादा कम भी नहीं करना है, इसे मीडियम में ही रखना है। तो हमारा पराठा देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पराठा एकदम से परफेक्ट बन गया है। अच्छे से सेका भी गया। तो दोस्तों ये हमारा बन गया है, तो इसको हम अब हटा लेते हैं, अब दूसरा बनाते हैं पराठा। तो इसको देख सकते हैं अच्छे से सिका गया, हाथ भी जल रहा है, अच्छे से पूरा परफेक्ट एकदम से सिका गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरा आटा की लोई ले लिए हैं और इसको ऐसे करके इसको ऐसे आटा लगा लेंगे इसमें। फिर इसको गोल रोटी बनाएंगे
और इसके ऊपर हम फिर से सरसों तेल लगाएंगे। और फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे। जिसको तीन कोंदा नहीं बनाने आता वो आसानी से सीख सकते हैं, ऐसे पूरा आसान तरीका है। और फिर इसको आटे में हम ऐसे कर लेंगे, देख सकते हैं, ऐसे सटने का भी डर नहीं रहता है और अच्छे से बन भी जाता है। तो देख सकते हैं, फिर से आटा इसमें लगा लेंगे। फिर से आटा हमने लगा लिया है इसमें। एकदम से परफेक्ट अच्छे से बनके कहीं भी टेढ़ा आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। तो एकदम परफेक्ट है, आप लोग भी ऐसे बना के ट्राई कीजिए और देख सकते हैं कहीं भी आप लोगों को टेढ़ा नहीं देगा। तो इसको भी हम तवे पे सेक लेते हैं। दोस्तों इसको भी हम सरसों तेल लगा लेंगे इसमें। इसी तरह से हम सारा अपना पराठा तैयार कर लेंगे बनाकर। देख सकते हैं दोस्तों एकदम से परफेक्ट हमारा बन के रेडी हो चुका। तो दोस्तों देख ये रहा मेरा पराठा बनाने का स्टाइल और आप लोगों को दिखाए। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, जय माता दी, जय लड्डू गोपाल, थैंक यू।